दे कैन डाई, मर सकते हैं वो इस कब्र के चैलेंज में। मिट्टी नहीं डालनी चाहिए थी इनको बिल्कुल भी। एक जिंदा इंसान को कब्र में दफना नहीं दिया गया, बल्कि उसने खुद ही ये चैलेंज लेकर के, बरीड अलाइव चैलेंज लेकर के कब्र में कदम रख लिया। I know it sounds insane and drastically horrifying. भैया खौफनाक लग रहा है, सोच के भी ऐसे डर लग रहा है कि ऐसे कोई इंसान ऐसे कदम उठा सकता है। कुछ दिनों से मेरे प्यारे प्यारे YouTube फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सभी मुझे कह रहे थे कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट करिए। एक प्यारा सा ही बच्चा है, उसने गलती से गुस्ताखी कर दी है कब्र के साथ। तो हम देखने आए हैं कि इस बरीड अलाइव चैलेंज का अंजाम क्या हो सकता है आखिरकार। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से। और हम असल मायने में ना प्री अजम्पशंस नहीं कर सकते कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया या गलती से हो गया या उनका अंजाम अल्लाह ने क्या किया, क्या कोई अजाब नाजिल हो गया। सोच करके भी डर लगता है ना। कब्र में क्या होता है, इट इज बिटवीन आवर सोल एंड अल्लाह सुभान व तआला। उस चीज को अगर किसी ने ऑल्टर करने की कोशिश करी है तो देखिए अंजाम क्या होता है। आई एम टेरिफाइड राइट नाउ, आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू से एनीमोर, सो लेट्स गो इन 3, 2, 1। इसके अंदर गड़ेंगे भाई 24 घंटे के लिए। भाई साहब गाइस पहले से ही भाई सब कुछ तैयार है। ये देख लो गाइस पूरा गद्दा वद्दा बिछा रखा है, पूरे लग्जरी ठाट मिलेंगे भाई। अब ये देखते हैं भाई इसके अंदर भाई क्या क्या सुविधा मिलेगी हमें। ओ भाई साहब ये देख लो भाई यहाँ पर भाई पूरा जुगाड़ है। ओ भाई पंखा भी लगा रखा है और स्विच भी लगा रखा है भाई साहब। कैमरा भी है, लाइट भी है भाई। ये क्या है भाई, ऐसे हवा आ रही है भाई साहब। ये देख लो गाइस हवा का जुगाड़ भी है गाइस, हमारे भाई सब कुछ है। डर लग रहा है, डरावना है यार, मजा आ जाएगा ना। तो गाइस अभी फाइनली भाई बरीड अलाइव फॉर 24 आवर्स चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्साइटमेंट गाइस अलग ही लेवल की हो रही है और थोड़ी घबराहट भी हो रही है। रेडी है भाई, भाई 24 घंटे के बाद ही बाहर आएंगे, देखते हैं गाइस कैसा रहता है एक्सपीरियंस। गाइस पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, बाहर सारी चीज रहेगी, वॉकी टॉकी वगैरह, कैमरे वगैरह, कैमरा लगा रखा अंदर, सारी चीजों की सर्विलेंस रहेगी, तो पूरा सेफ तरीके से कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है ना तो गाइस जब ही निकाल लेंगे, है ना। कस्सी वस्सी गाइस सारी चीज तैयार है। तो गाइस फाइनली नीचे जा रहे हैं, चलो भाई। तो गाइस बाय, ठीक है भाई। डोंट टेल मी ऊपर से मिट्टी भी डालेंगे। एक चीज का डर है, नेटवर्क ना चले जाए भाई फोन के। ओ भाई नेटवर्क चलेगा तो मैं यूट्यूब कैसे चलाऊंगा, पर नींद नहीं आएगी मुझको रात। बात तो सही है गाइस, अभी भाई बंद किया है, इसके ऊपर भाई मिट्टी भी डालेंगे। ओले भगवान, गड्ढा बिल्कुल ऊपर ढक दिया है, पानी चाहिएगा, खाना चाहिएगा, तो हम यहाँ से उनको भेज देंगे। मिट्टी डाल रहे हैं भाई ऊपर से। गाइस तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये जो डब्बा है ना गाइस जिससे हवा आ रही है, ये ना गाइस एसी की हवा है। तो गाइस ये देख लो भाई, अभी फिलहाल ना 1:30 बज रहे हैं और मस्त मजे आ रहे हैं गाइस, यहाँ पे पूरी ठंडी हवा आ रही है गाइस, घर से ज्यादा मजा आ रहा है इसमें। और गाइस ये देख लो भाई मिट्टी का प्रेशर भाई पूरी ना गाइस लकड़ी टेढ़ी हो गई, ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर आगे गिरे। ये देख लो गाइस भाई जिसने भी बरीड लाइव चैलेंज किया है ना गाइस, उसने भाई ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ साथ में रखा है। अगर ऑक्सीजन रखा नहीं है ना गाइस, जैसे हमने पाइप वगैरह छोड़ रखे है ना, हमने ना और ज्यादा इसको मॉडिफाई किया है, एक तरीके से गाइस लग्जरी किया है। गाइस ये बोल सकते हैं कि हमने भाई अंडरग्राउंड छुट्टी मनाने आए हैं। मतलब ये देख लो गाइस छोटा सा रूम है, अगर मिट्टी आती है ना तो हमने वैक्यूम क्लीनर भी रख रखा है, छोटे वाला स्पीकर भी मंगा लिया है ना, तो चलाते हैं इसको नाश्ते। गाइस अभी मैं खाना ऑर्डर करूंगा, एड्रेस में यही का डालूंगा, और भाई जो डिलीवरी बॉय आएगा ना, बाहर में भाई पाइप जा रखा है, उस पाइप का एड्रेस दे दूंगा भाई, पाइप के अंदर से गाइस खाना छोड़ देगा भाई। मस्त प्लान है गाइस, ऐसा खाएंगे जिससे एनर्जी ज्यादा है और पेट में जगह कम बने, पानी भी नहीं पीनी ज्यादा, पानी पीने से टॉयलेट आएगी। बात तो सही है, टॉयलेट के लिए तो बोतल मंगा लेंगे ना, ऊपर से बोतल फेंक देंगे ऊपर की साइड, करेंगे कैसे। पानी दे रहे नीकू भाई को, भाई पानी आ गया, पानी आ गया, पानी कैच कर जल्दी, पानी पानी ले, पानी कैसे है भाई। ओ पानी आ गया गाइस, फाइनली पानी पी रहे हैं गाइस, हमने टारगेट रखा है कि पानी वानी सब कम पीना है। तो गाइस दो घुट पीना है, दो घुट तो नहीं है, थोड़ी एक बोतल तो पीऊंगा। अरे हैं बाहर निकलेगा फिर देखना, पर एक घुट। ओ तू फोन आ गया, दो घुट से ज्यादा पीना नहीं हमें। Much much later गाइस, हमने भाई बड़े बड़े बोर हो गए, फोन भी चला लिया हमने, पानी भी पी लिया, नाच भी लिया हमने, गाने भी सुन लिए गाइस, सारी चीजों से बोर हो गए। अब मन कर रहा है गाइस बाहर घूमने का, बाहर जा नहीं सकते। तो गाइस देखो कितना खराब मौसम हो गया, आंधी धूल भरियान दिया गया और बारिश का मौसम हो रहा है, अब इसको ढकना पड़ेगा नहीं तो पानी अंदर जा सकता है भाई। ये देखो भाई साहब
देखिए भाई साहब आंधी देखो कितनी जबरदस्त, भाई साहब बारिश आ गई, बिजली देखो कैसे चमकने लग रही है, और भाई निको अंदर है देखो भाई साहब ये देखना तूफान के साथ बारिश, भाई साहब ये देखना तूफान के साथ बारिश, ये भी आज ही होनी थी भाई, चक्रवाती तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तूफान से तबाही कितनी भीषण है ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गाइस बाहर ना भाई तूफान आ गया और सब पानी वानी सब उड़ गया और बारिश भी आ रही है बहुत ज्यादा, आवाज देखो भाई कैसी है। ये डरने की बात एक्साइटेड होने की नहीं, तूफान आ गया भैया, गाइस डर लग रहा है कभी चैलेंज कैंसिल ना हो जाए, ये देखो भाई पानी गिरने लग गया भाई यहाँ से, पानी गिरे देखो गाइस लाइट भी गई, गाइस ये चैलेंज ना भाई खतरनाक होता जा रहा है, पानी भरेगा साइडों में, कैसे पानी ना गिरने लग जाए भाई, बाहर निकलना पड़ जाएगा अभी, वो आ गया आ गया, ओ भाई जल्द भाई इसको हटा दे, ओ भैया ओ फोन ओ कैमरा, भाई ओ निकाल ब्रो, देखें जाए मर सकते हैं वो इस कब्र के चैलेंज में, भैया भैया जल्दी जल्दी फोन कर, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, भाई साहब गलत हो गया देखो भाई, मेरे आदमी साहब देखो तूफान के साथ बारिश, बिल्कुल नहीं पता था जल्दी इतनी तेज बारिश आ जाएगी, जबरदस्त बारिश शुरू होगी आंधी के साथ, बुरा हाल सबका भाई, कहीं चैलेंज बीच में ना छोड़ना पड़े, गाइस ओले पड़ने लगे, ओले मोटे मोटे ओले, ये देखो गाइस ओले, ओ भाई बर्फ गिरने लगी देखो गाइस, आज ही खराब होना था ये मौसम भी, हो गया भाई सारा, वो देखो कितना पानी, द नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में एडमिट है गाइस, कल रात से चैलेंज करना था, बरीड अलाइव 24 आवर्स इन हॉस्पिटल हो गया गाइस, हमारा भाई एक दिन पहले प्लान था कि बरीड अलाइव चैलेंज करेंगे, पर गाइस उस दिन भाई बारिश हो गई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया था, जो दिन बिल्कुल सही लगा ना धूप वाला दिन था उस दिन भी भाई बारिश होगी, और गाइस सिर्फ 20 मिनट के लिए बारिश हुई, पूरा तहस नहस हो गया गाइस, ये देख लो गाइस चिनू मिलने आया, चाचा मिलने आए हैं, बहुत अच्छा भाई, जल्दी डिस्चार्ज हो गया घर पे आ भाई, हां जल्दी डिस्चार्ज हो गया घर पे आ, ये देख लो गाइस गाइस जो हमारे साथ हो गया ना भाई ये किसी के साथ भी नहीं हुआ, एकदम से बादल आए एकदम से चक्रवाती तूफान आने के साथ साथ बारिश आई है, बाकी गाइस फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग, तो गाइस अभी हॉस्पिटल में बैठ के एडिटिंग करेंगे, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में, सो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल नहीं रुका, सो थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर, यू टेक केयर भाई साहब, देखिए माँ की बात अगर मान लेते ना वहीं पे ही तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, देखिए इंटेंशनली इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये तक मुझे लिख करके भेजा कि ये मुसलमानों का इन्होंने मजाक बना दिया, ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बरी ही किया जाता है इंसान को, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसके साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो इसका रिजल्ट जो है वो इबरतनाक हो सकता है, इस हद तक इबरतनाक हो सकता है कि आप अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह सुभान व तआला को कि ये जो भाई थे हमारे ये जिंदा बच गए, और महज हॉस्पिटल में जाकर के एवरीथिंग इज फाइन नाउ राइट, अदरवाइज सिनेरियो अलग भी हो सकता था, इतनी क्यूट सी प्यारी सी इनकी अम्मा थी, वो इनको इतना प्यार कर रही थी, वो रो भी रही थी, वो बोल रही थी कि तू नहीं करता ना, जब भी मैं उस टाइम रोई थी तेरे डिसीजन के बाद, तभी अगर ये प्लान ड्रॉप हो जाता बहुत बेटर होता, अगर 3 साल पहले वाली निधि को यही बात बताई जाती कि ऐसा कोई चैलेंज किसी ने किया है तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता, सचमुच मैं ये सोचती अरे वाह ये कितना गट्सी है, नाउ दैट आई एम लर्निंग द रिलीजन, अभी फिलहाल दीन को समझ रही हूँ तो मैं इस बात को भी समझती हूँ कि ये कितना ड्रेडली है, तो मेरे सारे भाई बहन प्यारे प्यारे परिजन जो भाई साहब को इनको हेट दे रहे हैं कि तूने ये क्यों किया तेरी हिम्मत कैसे हुई, उसकी जगह अगर हम खुद ही को समझाएं कि मुझे जिंदगी में क्या क्या अच्छा करना है, मुझे दीन के रास्ते पर कैसे चलना है, तो ज्यादा बेहतर होगा, जो अभी भाई के साथ हुआ है वो देख करके पूरी दुनिया ने इबरत तो हासिल कर ही ली होगी ना, सीख के हमें ऐसा नहीं करना है, दैट्स वेरी रॉन्ग, बहुत डर लगा इस वीडियो को देखकर सचमुच में, खैर हम यही कामना करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना करे, काफी बार गुमराही में गुस्ताखी हो जाती है और उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है, हम सब ने अभी स्क्रीन पर देखा, आई होप ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग द होल वर्ल्ड टेक्स केयर ऑफ दैट।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप बताइए 1 to 10 की स्केल में कि आपको कितना डर लगा ये वीडियो देख करके। मुझे तो 10/10 पूरा। आई वॉज रियली स्केर्ड। अच्छा हाँ, तो हम आपसे लेते हैं इजाजत, मिलेंगे किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा दोस्त। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।